40 फीट बुलंद लहरें, तूफानी हवाएं, वाइपर ज्वाय कराची से 550 किलोमीटर दूर, शिद्दत बरकरार, सिंध से टकराने का इम्कान कम होने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान रुख मोड़कर जनूब मशरकी सिंध के दरमियान से गुजर जाएगा। भारत में गुजरात के साहिल से 15 जून को इंतहाई शदीद तूफान के तौर पर टकराएगा। 13 से 17 जून तक कराची में तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में सी व्यू और समंदर को जाने वाले रास्ते बंद। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में ना जाने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया ने फौरी तौर पर खेटी बंदर शहर को खाली करने का हुक्म दे दिया। इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज दस्ते तैनात। समंदरी तूफान के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे, किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोर कमांडर कराची की बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर कराची ने तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन अगर नॉर्थ जा रहा है तो ये बलूचिस्तान और सिंध के साहिल को टकराएगा, कि अगर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट टर्न ना करे और नॉर्थ ईस्ट करे तो फिर तो पूरा सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा इसके डायरेक्ट आई ऑफ द स्टॉर्म में आ सकते हैं। तूफान बराह रास्त कराची को हिट नहीं करेगा। 30 मिनट में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, क्लाउड बर्स जैसे हालात होंगे। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सबसे ज्यादा खतरा सजावल को है। तूफान बदीन और थरपारकर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया तो कराची का साहिल मुतासर हो सकता है। मुराद अली शाह का साहिली पट्टी का फजाई जायजा, इंतजामिया को शहरियों की मदद की हिदायत। कमिश्नर कराची ने खतरनाक इमारतों को खाली करने और बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से समंदरी तूफान से निपटने की तैयारियों पर बात हुई। वफाकी हुकूमत के तआवुन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म का ट्वीट, लिखा पाक फौज को समंदरी तूफान के पेश नज़र रेस्क्यू की हिदायत जारी कर दी। NDMA की वफाक, बलूचिस्तान और सिंध के इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। नेवी और आर्मी को ऑन बोर्ड ले लिया। कौमी राबता कॉन्फ्रेंस में तूफान के मुमकिन खतरात और पेशगी तैयारियों का जायजा। कराची शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में, पारा 40 डिग्री को क्रॉस कर गया। हीट वेव का खदशा, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटे बिजली गायब। तूफान करीब आने लगा, खौफ बढ़ने लगा। माहीगीरों की 20 से 25 कश्तियां अब भी खुले समंदर में मौजूद, राबते का कोई इम्कान नहीं। सिंध के साहली इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। ठट्टा सजावल और बदीन के अवाम शदीद परेशान, इंतजामिया ने मदद ना की। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए कोशां। कमिश्नर हैदराबाद के मुताबिक शाहबंदर, जाती और केटी बंदर से 50,000 लोगों का इनखला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी समंदरी तूफान के पेश नज़र तमाम मुतलका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। साहिली पट्टी पर दफा 144 नाफिज, PDMA मशीनरी और इमदादी सामान के साथ गवादर में मौजूद। तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश, तूफान के भारत के साहली इलाकों पर असरात जाहिर होने लगे। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा समेत साहली इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुतादित परवाजें मनसूख करके रनवेज बंद कर दिए गए। 7 रियासतों के लिए 5 रोज का हीट वेव अलर्ट भी जारी। 18 जून तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। इन वाकयात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। मतन में कहा गया, एक जमात और उसके कायद ने तमाम हदें पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की भी ताखीर ना की जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने नया कानून नहीं बनाया, कानून पहले से मौजूद है। बनता है हमारी दिफाई फोर्सेस को कि उनके दुश्मन जो हैं अगर सरहद पार से आए तो उनका भी इलाज किया जाए जिस तरह किया जाता है, और जो मुल्क के अंदर से उनकी तंसीबात पे हमले करें तो उसके लिए भी कानून जो है मौजूद है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। 9 मई को होने वाले वाकया तारीख का स्याह बाब
करार दिया। हुकूमत को वाज़ह तौर पर ये तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखकनी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इकदाम उठाने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। बोले साबिक हुकूमत ने सी पैक को मुंजमद किया, चीन की 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी को डबो दिया, आज कोई दोस्त मुल्क साबिक वजीर आजम पर एतबार करने को तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान की पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयारियों की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई सानिया 9 मई में मुलव्वस 25 लोगों के नाम नहीं बता रहे। निगरान वजीर इत्तला पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो लोग मरे ही नहीं उनके नाम पर अतिया इकट्ठा करना शर्मनाक है। नायब ने पीटीआई चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में आज तलब कर लिया। नायब की 2 रुकनी टीम ने तलबी का नोटिस जमान पार्क वसूल करवाया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी खानदान के किसी मर्द रुकन के साथ 11 बजे नायब दफ्तर में पेश हों। पीटीआई खवातीन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक शबनम जहांगीर 9 मई को कराची में हंगामा राई और जलाओ घेराव के मुकदमात में भी मतलूब थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अस्कुन नोटिस, तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। अदालत ने लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त सुनेगा, समात आज होगी। पिछले चंद सालों में नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद बट कहते हैं नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी करेंगे। करप्शन के खात्मे के लिए कोई फेवरेट नहीं और ना ही कोई दुश्मन है। रूस से खरीदे गए खाम तेल की अदायगी डॉलर नहीं चीनी करेंसी युआन में की गई। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। रूसी खाम तेल की रिफाइनिंग जल्द शुरू होगी, आवाम को खुशखबरी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल 40 रुपये फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब कहती हैं रूस से खाम तेल लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 21% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। बजट के बाद पहले रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 305 रुपये पर बरकरार। इंटरबैंक में 70 पैसे महंगा होकर डॉलर 287 रुपये 63 पैसे का हो गया। इलेक्शन के रोज मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। हाफिज नईम कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों की वफादारी खरीदना खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के हॉर्स ट्रेडिंग का नोटिस ले। सईद गनी का जवाब, कहा जमात इस्लामी मेयरशिप के लिए मुल्क दुश्मन की चौखट पर माथा टेक रही है। जमात इस्लामी को बड़ा धचका, पीटीआई के 30 चेयरमैन ने इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया। कहा जमात इस्लामी ने मौजूदा हालात से फायदा उठाया, आजादाना फैसले करने का हक रखते हैं। कराची की मकामी क़यादत ने मुशावरत के बगैर फैसले किए। कराची में सीटीडी और हसास इदारों की कार्रवाई, स्लीपर सेल्स के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अहम शख्सियत को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रखी थी, हसास तनसीबात और गैर मुल्की सिफारतखानों को टारगेट करना चाहते थे। कराची के इलाके सौराब गोट में इंडस प्लाजा के करीब पुलिस की कार्रवाई, 2 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस मुलजिम शरबु खान मुकाबले में मारा गया।